अब देखिए कैसे पुण्यों में वृद्धि होती है। जब किसी के मन में ये विचार आता है, ये संकल्प आता है कि आज के गुरुवार का भोग मुझे बाबा के साथ सेलिब्रेट करना है, संकल्प स्व इच्छा से आना चाहिए। अगर कहने से किया तो एक तो किया लेकिन लॉस हुआ मुझे 20%, क्योंकि जिसके कहने से मैंने किया 20% कमीशन उसको मिल गया, तो लॉस किसका हुआ? पूरा का पूरा किया मैंने और लॉस किसको हो गया? तो स्व इच्छा से करें हम। इस सभा में देखिए, मुझे लगता है 1000 के आसपास बैठे होंगे, है ना, 1000 तो होंगे ना, ये ज्यादा होंगे 1000 के आसपास। एक साल में गुरुवार कितने आते हैं? 52। 10 त्योहार लगा लीजिए, जिसमें दिवाली, होली, मम्मा डे, 18 जनवरी, दादी डे वगैरह आते हैं, जो अलौकिक त्योहार, 10 कितने हो गए टोटल? 62। बैठे कितने हैं यहां पर? 1000 के आसपास कानपुर कनेक्शन में, ठीक है ना, कुछ कानपुर के हैं और कुछ कनेक्शन में है। अगर हम 5 लोग का ग्रुप बनाए, 10 लोग का भी ग्रुप बनाए, तो साल में 1-2 गुरुवार और 1 ब्रह्माभोजन आलिशान भगवान के लिए नहीं कर सकते क्या? उसके लिए उसके बच्चों को खिला नहीं सकते मिलके? हाँ या ना, क्या कहते हो आप? क्योंकि इससे बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है ना, मैं आपको अन्नदान महादान बोला गया है, सबसे बड़ा दान अन्नदान है। नहीं कर सकते थी, कैपेसिटी नहीं दे रही, करना चाहिए या नहीं? लेकिन निस्वार्थ भाव से, स्व इच्छा से होकर प्रभु के सामने से, जो स्व इच्छा से होता है उसे इच्छा अनुकूल प्राप्त होता है। इसीलिए स्व इच्छा मस्त कंपल्सरी है।